सो तो हे गाइस गुड मॉर्निंग वेलकम टू न्यू ब्लॉग। सो तो फाइनली अभी अराउंड 6 बज रहे हैं। मैं सो के जगा था, आज तो मुंह तक धुला नहीं ऐसे निकल आया। तो जा रहा हूँ नदी साइड ब्रश करने। भाई समय रोड बन रही है तो हालत काफ़ी खराब। इधर की एक बार दिखाता हूँ और सूर्य भगवान ने उग चुके हैं आज मेरे से पहले। सो तो इधर बन रही है रोड तो भाई काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, देख सकते हो ये काफ़ी ज़्यादा इशू हो जाता है। तो इस समय बिजी होने के कारण ना ब्लॉग नहीं आ रहा है डेली। मैं कोशिश करी डेली ब्लॉगिंग करूं और डेली ब्लॉग आ पाए और डेली ब्लॉग में कर पाऊं, बट काम इतना है ना यार कि टाइम ही नहीं मिलता है। क्या कर सकते हैं गांव में अभी। तो ब्लॉग पर बने रहो, अभी मैं नदी साइड आ गया ब्रश करने के लिए। सो तो फाइनली ब्रश वश करके रेडी हो गए, अभी जा रहे हैं घर साइड। तो मिलते हैं कुछ देर से, तब तक बने रहो। तो अभी घर से निकल चुके हैं खाना बिना खा के खेत साइड के लिए। तो यार धूप बहुत काफ़ी ज़्यादा है इसलिए मैंने थोड़ा फेस कवर कर लिया है और मैं अभी पैदल ही हूँ। तो आज ऊपर से हाई कमर से ऑर्डर आया था कि भाई खेत जाना पड़ेगा और रुकना पड़ेगा, तो जा रहे हैं, क्या कर सकते हैं। तो बता दें चलते हैं खेत साइड, वहीं बात करते हैं मिलके। सब इधर की ना तो सबकी प्याज से खुदर गई भाई और रख भी दिए। तो फाइनली मैं पहुंच गया खेत में और ये रही प्याज और ये रही मेड़ जहाँ पे मैं बैठा हूँ अभी। तो भाई साहब हालत बहुत गंभीर हो गई क्योंकि 3-3.5 किलोमीटर मैं चल के आया हूँ और इतनी ज़्यादा धूप है ना कि मैं क्या ही बताऊँ। तो पूरा मतलब पीछे का तो पूरा शर्ट भीज गया मेरा, दिख नहीं रहा होगा इसे बट पूरा शर्ट गया और मैं भी मतलब पसीना पसीना हो चुका हूँ, क्या ही बोलूँ। आया हूँ और धूप इतनी ज़्यादा है कि अब क्या ही कह सकते हैं। तो यहाँ पे अभी कोई नहीं, आगे एक लोग बैठे हैं और आसपास के जितने भी है ना, तो यार सब सबके खेत में प्याज खुदाई लग रही है बट इधर पता नहीं इन लोग को क्या है कि भाई खोदना चालू ही नहीं कर रहे हैं। सो तो फाइनली यार खेत में ना तो फोन ही स्विच ऑफ हो गया था क्योंकि बैटरी नहीं थी, तो ब्लॉग वहीं पे बंद करना पड़ा मेरे। अभी मैं घर साइड जा रहा हूँ और मैं काफ़ी पहले ही आ गया था। सो तो इस ब्लॉग में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय एंड लव यू ऑल।